गांधी परिवार भ्रष्टाचार लिप्त नेशनल हेराल्ड केस चली बेल रे बाहर अच्छा गांधी परिवार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी समन कर सोनिया गांधी असुस्थता कारण ईडी हाजर हेले आसंता का राहुल गांधी ईडी हाजर होबार अच्छे किंतु ता पूर्व दल समस्त सांसद को दिल्ली में डाकरा होती सत्याग्रह करने दल योजना करुच्ची स्पष्ट गांधी परिवार किसी लुचाइवा चाहूँगी तेणु एपरी ड्रामा करुच्चे 500 कोटी टंकार नेशनल हेराल्ड दुर्नीति होई तबे एजेएल कंपनी माध्यम रे तीनोटी पेपर प्रिंट होता एजेएल रो 5000 कोटी टंकार संपत्ति रही कांग्रेस दल एजेएल को 90 कोटी लोन पार्टी फंड रु देते जहां संपूर्ण बेनियम एने बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र प्रेसमिट माध्यम रे कहते सभी जानते हैं कि जहां तक गांधी परिवार का विषय है जिसको कांग्रेस प्रथम परिवार के रूप से द फर्स्ट फैमिली के नाम से आगे बढ़ाती है वो किस प्रकार से भ्रष्ट है हाउ करप्ट दे आर और किस प्रकार से भ्रष्टाचार को वो प्रतिपादित करते हैं इससे आज भारतवर्ष अवगत है पूर्णतः अवगत है। और अगर स्कैम्स के विषय में कोई पुस्तिका लिखी जाए इफ यू राइट अ बुक ऑन करप्शन नेशनल हेराल्ड केस इज गोइंग टू फाइंड इट्स वे इनटू दिस बुक इन अ बिग वे। जो नेशनल हेराल्ड का केस गांधी परिवार पे चला है और जिस केस को लेकर आज गांधी परिवार बेल पे बाहर है उस केस का एक बहुत बड़ा असर हिंदुस्तान की जनता के मन के ऊपर रहा है कि एक परिवार कितना करप्ट और कितना भ्रष्ट हो सकता है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया है दोनों ही बेल पे बाहर हैं और दोनों को ही ईडी ने समन किया है। सोनिया जी बीमार होने के कारण से वो ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाई और ये खबर मीडिया ने दिखाया है।